ऐतिह सहर पुरी को सुंदर करने आरंभ हो पदक्षेप। श्रीमंदिर मेघनाद पाचेरी ठार 75 मीटर भितर कौन कंक्रीट स्ट्रक्चर रही एने राज्य कैबिनेट रे निष्पत्ति परे आज आरंभ हो उच्छेद अभियान। प्रथम दिन में 12 रु अधिक कोठा भंगा जा दुई दिन भितर सर उच्छेद अभियान बोली जिलापाल। अंपटे भंगा जावा भित्तिमि भितर बहु मठ और सेवायत घर आसुवर सेवायत महल में असंतोष देखा मिली। नंबर एक सिंहद्वार फाणी, नंबर दुई दक्षिण द्वार शौचालय, नंबर तीन क्लॉक हाउस। एमिति आरंभ होला श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व उच्छेद अभियान। पूरी हेब ऐतिह सहर ऐतिह संरक्षण आईन को कड़ाकड़ी भावे पालन करिबा नै राज्य कैबिनेट रो निष्पत्ति परे आरंभ होइछि मेघनाद पाचेरी चारिपट उच्छेद काम। सकाळे श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व को सिल करिबा परे सिंहद्वार पटु आरंभ होला प्रक्रिया। प्रथम हटा गला प्लाय और काठरे तैयारी सिंहद्वार फांडी। मंदिर तीन पाखे लगा जाइथिला 6 जेसीबी मेसीन। दक्षिण द्वार रे थिबा शौचालय श्रीमंदिर गुरुआ घर खजा दुकान और सामान घर उपरे चलिला जेसीबी। तापर सिंहद्वार पटे जिला सूचना लोकसंपर्क विभाग सूचना केन्द्र नियंत्रण कक्ष श्रीमंदिर सूचना केन्द्र सिंहद्वार फांडी आदि सरकारी कोठा। पश्चिम द्वार पटे भंगा गला सेसु ऑफिस पीएचडी पंप हाउस आदि सरकारी बिल्डिंग। उग्रतारा मंदिर और नृसिंह मंदिर आदि भंगा जावा प्रक्रिया आरंभ हो सुरक्षा दृष्टि मुतयन होते 24 प्लाटून फोर्स। दुई दिन भितर समस्त उच्छेद प्रक्रिया सर जिलापा। मेघनाद पाचेरी को लगी हटा कोठा जमी पाचेरी को क्षति नक से स्वतंत्र ध्यान रखिंट एएसआई अधिकारी। जो एएसआई रो रिक्वेस्ट क्रमे हाईकोर्ट रो रिक्वेस्ट क्रमे जो मेघनाद प्राचीर रे जो प्रेशर हुए और अनऑथराइज स्ट्रक्चर अच्छी प्राइमरीली से भितर गवर्नमेंट रो यूटिलिटी थाए और किसी एक दो प्राइवेट स्ट्रक्चर करते दुकानी फुकानी ताकू डायलॉग करी समस्त ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देखी मैं पाखापाखि समस्त खाली हो जाता खाली एवं जस्ट मोर्टार ब्रिक मोर्टार स्ट्रक्चर रही है मशीनरी एवं जो भक्त मैंने आसुचंती आखपाख जो लोक अच्छा समस्त सुरक्षा आम एनश्योर करूँ ता व्यक्त ट्राफिक विशेष व्यवस्था कराई मंदिर मंदिर भक्त मान आज दर्शन जमी कौन बाधा न उपजे उपयुक्त पदक्षेप निया कंजर्वेशन करू जा तो पुराना किंतु मॉन्यूमेंट एक्ट हिसाब से या किसी करवा मॉन्यूमेंट दे नियम विरुद्ध एक्चुअली। श्रीमंदिर चारिपटे 75 मीटर जाए भंगा जीव सब कोठाबाड़ी एने जिलापा पाखक सरकारी निर्देशावली आसवा पर परवर्त पदक्षेप। निर्देश कार्यकारी हेले उच्छेद हेब मंदिर चारिपाखे 10 अधिक मठ 100 रु अधिक दुकान 40 रु अधिक लज और धर्मशाला 500 रु अधिक घर एसबु मध्य अधिकांश सेवायत परिवार केतक मठ सहित जड़ित रही श्रीमंदिर नीतिकांति और परंपरा तेणु यह सेवायत महल में देखाई असंतोष। जो मानक भांगुंत भांगा पर गठन कराया दरकार भांगी खाले भांगी दे या 75 फुट रेडियस भी भंगा स्पेस याद के सेवायत अणसेवायत केफेक्टेड हे से खाली तुम क्षतिपूरण देदे हेनी लोक मैंने भारी हईराण होती इटे अज्ञा किसी ना परदेशी लोक आसवे किए गोटे चूड़ी किए गोटे कंकड़ किए गोटे भोग एम किए गोटे खईकोरा एम सब बिक्री चलती निज गुजराण मेटेन करती। पूर्व 2015 नवकलेवर पर श्रीमंदिर चारिपाखु 30 फुट जाए भंगा जाता एवं पुणी कमिशन का रिपोर्ट आधार में 75 मीटर जाए उच्छेद योजना रही। तिरुपतिर बालाजी मंदिर और पंजाब अमृतसर स्वर्ण मंदिर आदि जातीय ऐतिह्यस्थल श्रीमंदिर चारिपाखे भक्तों पर सुविधा और व्यवस्था। प्राथमिक पर्यायर मेघनाद पाचेरी निकट आरंभ हो उच्छेद। पुरीर कैमेरा पर्सन अमरेन्द्र मिश्र अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया। भुवनेश्वर दुर्वृत्तक लंका कांड पुणी राजधानी छाती उपरे एमएलए कॉलोनी रे विधायकों क्वार्टर रे तालचेर विधायक ब्रज किशोर प्रधान सरकारी बासभवन में गत रात्र जलापोड़ा करिसंती दुर्वृत्त दुईट कार बाइक साइकिल पोड़ी देछंती। पुलिस मामलार तदंत आरंभ करिछि। भुवनेश्वर लंका कांड राजधानी छाती उपरे मेले कॉलोनी रे शासक दलर विधायकों सरकारी बासभवन रे पोड़ाजला। टोयोटा फॉर्च्यूनर टाटा इनोवा मोटरसाइकिल और साइकिल सबू किछि पोड़ी नष्ट।
तालचेर विधायक ब्रजकिशोर प्रधान क्वार्टर ए दृश्य बयान करुछि केमिति रविवार राति रे यूनिट 4 एमएलए कॉलोनी रे आतंक खेलाइथिले दुर्बृत्त साउंड होला पर आमे कोन हेजुलि बाहर को पळे आसलु आमे भाबिलु जे के स्थानीय लोक बदे आसछि ओदे वटन खडखड कदे करुछि कोन करुछि खले देखिले आसला को निया जळुछि धरकार देखि निया जळुछि क्वार्टर रे नथिले विधायक राति प्राय गोटाए 30 बेळ को घर भितरे सोइथिबा पीएसओ अन्य 3 जण कर निद भांगिबा बेळ को मुहारे भरी जाइथिला पूरा घर घरु बाहरिबा को चेष्टा करथिले किंतु बाहरु बंद थिला को बाटो या भितरे सेठी पहुंचीथिले सामना घरे रहुथिबा होटल कर्मचारी भी नारायण तांको उद्यम पीएसओ को उपस्थित बुद्धि जो बची गला 4 जण को जीवन लास्ट गीत उपाय नथिला आमे गेट डेंग गलु ये करे पे चाबी भांगिलु बाहर भी जाई पडथला भितर भी जाई पडथला से खाली कादुथला बहुत जो चित्कार करथले लास्ट आमे के जो उपाय न राबी भांगे के तांको काडिलु सकाळ सकाळ घटनास्थल रे पहुंचीथिले डीसीपी अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर साइंटिफिक टीम स्पेशल स्क्वाड एसीपी जोन एसीपी ओ खारबेल नगर थाना पुलिस 3 घंटा धरी करथिले तोना घना प्रत्यक्षदर्शी ओ पीएसओ को बयान आधार रे पुलिस आरंभ करिछि तदंत वर्तमान आमे तांको रिपोर्ट उपरे गोटे केस टा रुजू करू आमरो इन्वेस्टिगेशन ये भितरे कहार हत यदि अछि थई पारे से दिगरे आमर तदंत हबो आमे कि चिंता करू जो निश्चिंत भाव रे हम 24 आवर सिक्योरिटी देले मते भलो होता आमको भी एवं गोटे गोटे पीएसओ देखे आमको भी दीदी जन देखते एथर पीएसओ दे आम भी दीदी जन स्टाफ नहीं सुरक्षापी सब व्यवस्था सरकार आगे कर गोटे पटे घटना राजधानी रे सुरक्षा व्यवस्था प्रति सृष्टि करिछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्नवाची अन्य पटे तालचेर मेले क्वार्टर को कहीं करागला टार्गेट ताहा मध्य बड़ प्रश्न यह पछरे राजनैतिक बा अन्य कोनोसी शत्रुता अछि कि केवल गाड़ी पड़ा को ना खोद विधायकों को क्षति पहुंचाइबा को आसीथिले दुर्बृत्त हाई सिक्युरिटी जोन पाखरे विधानसभा सचिवालय कमिश्नरेट पुलिस तार भितर एमएलए कॉलोनी जोटी घटी एभली अघटन तेरे राजधानी केते सुरक्षित आपने सहज बुझीपे भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन पद्मपवन बेहरा सुमंत सुंदराय न्यूज एट नुडिया सब रजिस्ट्रेंट ऑफिस सबुठ दलाल आउ जमी माफिया दौरात्म सरकारी अधिकारी सहित सलाह सूत्र में कराऊ कोटि कोटि टंकार बेआईन जमी किणाबिका कारबार गोटे पटे मालामाल होती दलाल अंपटे अजथार हैरान होती प्रकृत जमी मालक ब्रह्मपुर एमती एक घटना सामना को आसा पर खोली सरकारी बाबू और जमी माफिया मधु चंद्रिकार गुमर अंपटे मामला चपाई देवा उद्यम कर देखा शक्तिधर राजगुरु एक्सक्लूसीव रिपोर्ट सरकारी ऑफिसर जमी माफिया मधुचंद्रिका जमी मालिकों अजाणतरे जमी बिक्री ब्रह्मपुर रे कोटी कोटी टंकार कारबार खुलिला बेआईन जमी व्यवसायर गुमर जमी माफिया और सरकारी बाबू को कारनामार शिकार होती ब्रह्मपुर स्टेशन रोड निवासी रवींद्र पंडा सहर उपकंठ हलदिया पदर मौजारे रही रवींद्रंकर प्राय 4 एकर पारिवारिक संपत्ति जार आनुमानिक बजार मूल्य 12-15 कोटी टंका रवींद्र पंडांक दुई माउसी और तांको नामरे थिबा एही जमी उपर पड़ी माफिया तथा दलालंक लोलुप दृष्टि किछि दिन तले रवींद्रंक नजर को एक कथा आसिबा बेळकु तांको अजाणत्रे अन्य को बिक्री होइ सारिछि जमी कारनामा पछरे रहिछि जणे बिल्डर और सब रजिस्ट्रार अफिसर बाबूंक कारसादी बिल्डर चंचकता करी प्रथमे जमी हातेले तापरे प्लॉटिंग करी अन्य मानंकु बिक्री भी करदेले रवींद्र पंडांकर जणे माउसींकर 9 वर्ष पूर्वरु मृत्यु होइसारथिबा बेले अन्य जणे माउसी अनसुया दासंकर वयस 71 वर्ष तांको स्थानरे अन्य जणे महिलांकु छिडा कराई करा जायछि जमी बिक्री एने रवींद्र पंडा गोसाणी नुआगा थाना समेत सब रजिस्ट्रार और कनिषी तहसीलदारंक अफिसरे अभियोग करथिले ये प्रथम नुहे ब्रह्मपुरु पूर्वरु भी एभली घटना सामनाकु आसीथिबा बेले माने लोक न जाकर सीढ़ी आपंकर पावर अटर्नी डीड उपर करछंती एमसी नंबर रे जोड़ा कि एमसी नंबर आम के भी अप्लाई कर कनक पंडा अनुशिया साहू सरोजनी पाणिग्राही सरोजनी पाणिग्राही एक्सपायर करके 8 वर्ष होगा से 9 वर्ष होगा से 2017 फ्रॉड कर दीजिए या भितर किसी जमी माफिया गोटे रैकेट कर भितर बिकिया लोक किणिया लोक एवं अफसर मैंने भी ताकि संपृक्त अच्छा निश्चित भाव से भूल कर
ଜାଣି ଜାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ବେନ୍ ଜମି କିଣାବିକା ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର। ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପରେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କରାଯାଇଛି ଏମିତି କାରସାଦି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଓ ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଜମି କାରବାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରି କରାଯିବ ତଦନ୍ତ। ନାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଯିଏ କରିଥିଲା ସେ କରିଦେଇଛି, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଯେତେଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଭୁଲରେ ସିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲରେ କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛି ଆଉ। ଆମ ପାଖରେ ଜାଣିବା ସହଜ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସ୍ତାହଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସ୍ତାହଉଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖକୁ କିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକରି ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେବ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯାହାର ବି ଏଗେନଷ୍ଟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିବ ସେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଦରକାର, ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜମିଟା କାହା ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଜମି କାରବାରରେ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଉଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜମି କିଣୁଥିବା ଓ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଉଭୟଙ୍କ ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଉଛି କାରବାର, ଯାହା ଖୋଲିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଓ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟର ଗୁମର। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଉପରମୁଣ୍ଡ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଏବଂ କୋଏଲର ମିଳନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଜଳସ୍ତର ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଏହାଛଡ଼ା କୋଏଲ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ, କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଉପରେ ଲାଇଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା 5 ଗେଟ୍, ଏଥିରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ର 4 ଜଳ। ଗତକାଲି ଆଉ 6 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ନଦୀ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ବାଲୁଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ଜଳସ୍ତର ଏଠି ବଢ଼ିଗଲା। କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, 10-15 କି 20 ଖଣ୍ଡ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି 100 ଘର, ଏତେ 20 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 100 ଘର ଅଲରେଡ଼ି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ରୋଷେଇବାସ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିଲିଫ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। ଜଳସ୍ତରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଅଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ପାଣି କିଛି ପଶିଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହା ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବହୁଛି। ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ 5.5 ଥିବାବେଳେ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 6.4 ମିଟର, ଫଳରେ ମଥାନୀ ପୋଲର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସହିତ ବସ୍ତା ଓ ସଦର ବ୍ଲକର 10 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 22 ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, 22 ପରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 1 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ମାତ୍ର 2% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ମେ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍, ଆର୍ କୋଷ୍ଟାଲ ମେ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ରହେଗା। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଅଗଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମେ ନହିଁ ରହେଗା, ବଟ୍ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ କା ବାଦ ଫିର୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି
इनकेस होने का चांसेस है मेनली साउथ इंटीरियर का। आज खोली हीराकूद सतट गेट मोट 14 गेट दे जल निष्कासित वर्तमान जलभंडार जलस्तर रही 620.75 फुट जलभंडार को प्रति सेकेंड 1,70,324 घनफुट जल प्रवेश करुवा बेले निष्कासित 2,36,604 क्यूसेक जल गत सतट गेट दे बन्या जल छड़ा जाउथला नदीबंधर जलस्तर वृद्धि पाइथिबारु आज आउ सतट गेट दे बन्या जल निष्कासन करा जाउछि तळे अंचल लोकंकु सतर्कता जारी करा जाइछि। विद्युत संस्कार दिगरे आउ एक पदक्षेप बिजुली चोरी रोकिबाकु स्मार्ट स्टेप माने एणी की प्रति घरे लागिबो स्मार्ट एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाइल टीवी रिचार्ज भली स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर आगुआ रिचार्ज करिहेबो एथरे ग्राहक माने जेतिक बिजुली खर्च करिवे सेही अनुसारी पैसा देबे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर रे लागिछि जीपीआरएस याकु रिमोट कंट्रोल जरिया रे कंट्रोल करिहेबो। परीक्षामूलक भाबरे संबलपुर राउरकला रे आरंभ होइबो सेवा संबलपुर रे लागिबो 4500 टी स्मार्ट प्रीपेड मीटर सेभली राउरकला रे लागिब स्मार्ट प्रीपेड मीटर ए दुईटी जाक स्मार्ट मीटर लगाइबा पई ग्राहकंकु कोनोसी देय देबाकु पडिबो नाही बोली शक्ति मंत्री कहिछंती। ओईआरसी को ग्रीन सिग्नल परे स्मार्ट एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर सेवा कार्यकारी करिबा नै 2013 रु आरंभ होइथिला प्रक्रिया 6 वर्ष परे एबे ही सेवा कार्यकारी हेउछि तबे एहार सफल कार्यकारिता को नै ग्राहकंक मध्ये मिश्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। मीटर मुख्य उद्देश्य है टेम्पर प्रूफ कहीं भी टेम्परिंग करें मैग्नेट लगे कि मीटर को स्लो करें एभलिया जहा जहाँ जी ता पछपट कनेक्शन को डिलिंग करुले से भाया जो बदमाशी होता से बदमाशी आई पारे से स्मार्ट मीटर प्रथम आते डिटेक्शन भी किए टेम्पर करने जब चेष्टा भी करा डिटेक्शन हो पारे ता सहित जी बिजुली देय नदेव ताकू रिमोटली आम से मीटर रो माध्यम रे तार बिजुली कट ऑफ भी करि परिबो। सरकार जे मीटरटा नया आविष्कार करला सेटा ठीक ठाक जदि चली पारे ताले माने जनसाधारण पाई समस्त किछु सुविधा बा उपभोग समस्त ठीक रहउ संती आउ जदि सेटा न चली पारे ताले साधारण मानुष पक हैरानती होबो समस्तक पई बोल सरकार को पई भी कलेक्शन हवा आराम रे जेन पैसाटा रही होछे लोक देइ नै पारवार आगो पैसा देबे तार परे यूज करबे। भुवनेश्वर हंसपाल डे निर्माण हेबो फ्लाईओवर एने 30 कोटी टंका व्यय अटकल धार्य करा जायछि एतसहित 120 दिन मध्ये टेंडर प्रक्रिया शेष हेबो एवं 18 मास मध्ये काम सरीबो बोली लक्ष्य रखा जायछि। ए निष्पत्ति नै प्रधानमंत्री एवं सड़क परिवहन मंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ति भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। फ्लाईओवर पई संसद रे दाबी रखिथिले अपराजिता हंसपाल एक दुर्घटना प्रवण अंचल ब्रिज हेले हंसपाल भुवनेश्वर उत्तर बासिंदा बेस लाभ पाई परिवे बोली सांसद कहिछन्ति। आज राज्य निर्वाचन कमिशनर भाव में दायित्व ग्रहण करिछन्ति वरिष्ठ प्रशासक तथा पूर्वतन मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी। भुवनेश्वर रे तोशाली भवन स्थित राज्य निर्वाचन कमिशन कार्यालय रे पहुंचिबा परे आदित्य प्रसाद पाढ़ी को आनुष्ठानिक भाव में दायित्व हस्तांतर करथिले विदाई कमिशनर नव कुमार नायक। राज्य निर्वाचन कमिशनर दायित्व नेबारे आदित्य प्रसाद पाढ़ी होउछन्ती सप्तम व्यक्तित्व दायित्व नेबा परे आदित्य प्रसाद कहिछन्ती जे पंचायत एवं पौरपालिका निर्वाचन परिचालना दायित्व सुचारू रूपे तुलाइबाकू उद्यम करिवे। माननीय राज्यपाल को निर्देश क्रमे मु आज राज्य निर्वाचन कमिशनर हिसाब से दायित्व ग्रहण करिछि। संविधान रे आर्टिकल 243 के अनुसार पदवीटी स्थापन करा जाएची एवं एठारे पंचायत एवं म्युनिसिपल इलेक्शन करिवा पे मोर दायित्व अच्छी ए दायित्व को मु ठीक भावरे संपन्न करू। चलित मास रे रूसिया रे आयोजित हेउची अंतरजातीय स्किल कंपटीशन वर्ल्ड स्किल कजन 2019 भाग नेबे भारत 48 जन दल जेउथरे अछन्ति 3 जन ओडिया एमाने हेले अविनाश स्वाई एस अश्वत नारायण एवं जेनोफन दास। प्रतियोगिता रे विश्वर 60 देशर प्राय 1500 प्रतियोगी भाग नेउछन्ति। ए प्रतियोगिता रे भारतीय दल हेउछि षष्ठ बृहत्तम दल। भारतीय दल मोबाइल रोबोटिक्स मॉडलिंग बेकिंग वेल्डिंग कार पेंटिंग भली 44 विभाग रे अंश ग्रहण करिवो। भारतीय दल रो 75 भाग छोटो शहर रु एवं अति साधारण परिवार रु आसी छंती।
बुलेटिन रे समय आउ एक ब्रेक रो ब्रेक पर भी खबर जारी रहिबो। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। संसद भवन रे प्रधानमंत्री का भिन्न रूप नाती सह खेल रे व्यस्त नरेंद्र मोदी सत हेबा भूस्वर्ग रे घर तैयारी स्वप्न काश्मीर रे आरंभ हेलानी जमी बिक्री खबर ठीक तो आज राति 9:30 ए बाघम तमरो जदि एते वाइफ एते छुआ ये गणना वाला देखि परिलानी केमिति काय तमे केबे तमो वाइफ केनी आमु देखै छ तमे आनी तमो वाइफ के आमु देखेबनी आमे आमो वाइफ पिला छुआ गणी तमु देखिबु काय पिला छुआ हमर को सस्ता पड़छन भाई सब राजनीति मंगलवार राति 9:30 ब्रेक पर स्वागत। उन्नयन कमिशनर भाव में दायित्व नहीं सुरेश महापात्र भित्तिभूमि और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में योजना को गुरुत्व दिजाव सुरेश सबु अंचल विकास में आवश्यक स्थल नुआ योजना हो श्रीमंदिर विकास और भक्तों सुरक्षा को गुरुत्व दिजाव श्रीमंदिर सुरक्षापी कमिशन प्रस्ताव को कार्यकारी हो दायित्व नापर कही सुरेश महापात्र वर्तमान श्रीमंदिर प्रशासन कार्यकारी अध्यक्ष दायित्व में आज गृह सचिव भाव में दायित्व ग्रहण कर संजीव चोपरा से राज्यर शांति श्रृंखला को गुरुत्व देवा सहित राज्यर शिल्प एवं अभिवृद्धि लागि शांत वातावरण बजाय रखा दिगरे उद्यम करेंगे दायित्व ग्रहण करने से कौन कहते शुणु सब होम सेक्रेटरी मान से लक्ष्य रुहे सेमती मोर भी रहा जानते विगत केत वर्ष भितर ओडिशा रे शांति श्रृंखला परिस्थिति बहुत भल रही मो हिसाब से एवं मोर दायित्व यह रहा जे जहाँ भल कम कर मोर प्रेडिसेसर से आगे ने इंडस्ट्री सेक्रेटरी हिसाब से मुझे देखी आसे लॉ एंड ऑर्डर इज एन इश्यू विच हैज टू बी टैकल्ड फॉर द गुड इन्वेस्टमेंट्स बाय द कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड सो सेथिलागी वी विल इंश्योर दैट इवन द बिजनेस गेट्स अ सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ओनली पॉसिबल विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ सो सेटा मध्ये मोर गोटे प्रमुख लक्ष्य रहबो समय सरिचे बुलेटिन को एठी रखुछु नमस्कार।